लायंस क्लब भिलाई पिनाकल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन एमजेएफ दिलीप भंडारी एवं कैबिनेट सेक्रेटरी सर्विस लायन नितिन सलूजा शनिवार 12 नवंबर को अपने आधिकारिक दौरे पर भिलाई पहुंचे। सबसे पहले नेहरू नगर गुरुद्वारे में स्वागत करने के बाद गुरुद्वारे में परमानेंट प्रोजेक्ट लायन मेडिसिन बैंक एवं डेड बॉडी फ्रीजर प्रदान किया गया। इसके बाद हाईटेक हॉस्पिटल में रीडिंग कॉर्नर का शुभारंभ किया गया। हाईटेक हॉस्पिटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में लायंस क्लब भिलाई पिनाकल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन एमजेएफ दिलीप भंडारी ने अपने आधिकारिक यात्रा की जानकारी इस प्रकार से दी। आज मैं लायंस क्लब पिनाकल की आधिकारिक यात्रा में आया हूँ और इस हाईटेक हॉस्पिटल में एक रीडिंग एक्शन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर एक स्टॉल बनाया गया है जो परमानेंट चलता रहेगा, जिससे लोग आकर लायंस संबंधी जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे और मैगजीन के माध्यम से लायंस की एक्टिविटी की भी जानकारी उनको मिल सकेगी और वो लायंस क्लब की संस्था से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और हम उन्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये लायंस के पॉपुलरिटी के लिए ये विशेष रूप से आयोजित किया गया है और स्टॉल बनाए गए। आज इस लायंस क्लब की गवर्नर विजिट पिनाकल की जो हो रही है, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दिलीप भंडारी आज इनके कार्यक्रमों को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए हैं और इन्होंने जो विभिन्न प्रकार के, जैसे कि एक डीप फ्रीजर जो कि डेड बॉडी के लिए वो डोनेट किया, वाटर कूलर जो ठंडा पानी अब आगे चलकर लोगों को संतुष्टि प्रदान करेगा, प्यास बुझाएगा, वो डोनेट किया और अभी आगे और कार्यक्रम निकले हैं। आटा बैंक के तरफ भी जा रहा हूँ और मेडिसिन बैंक भी गया था जहाँ बहुत ही मेडिसिनों को दिया गया है और वहाँ पर गुरुद्वारा में उसका वितरण भी होगा। तो इनके जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सराहनीय है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि लायंस एक सेवाभावी संस्था है जो इंटरनेशनल की सबसे बड़ी एनजीओ संस्था है जिसमें करीब 14 लाख मेंबर हैं, तो अधिक से अधिक लोग इस पर जुड़ने का पूरा प्रयास करें और लोगों के जन जन तक अपनी सेवा के कार्य कर उन्हें संतुष्टि प्रदान करें, उनकी सहायता करें। इस साल मुझे इंटरनेशनल की पोस्ट रीडिंग एक्शन माइक्रो चेयरपर्सन में को बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य लोगों के बीच में लोगों के बीच में पढ़ने का जो अब छूट गया है, लोग पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, टीवी और मोबाइल पे रहते हैं, तो रीडिंग की उत्साह जगाने के लिए हम जगह जगह ये काम कर रहे हैं। आज हमने हाईटेक को चुना है और यहाँ पर आज हमने ये कॉर्नर खोला है। यहाँ पर हम अपने लाइन से संबंधित दूसरे भी मैगजीन्स ऐसे रखेंगे ताकि लोग जब भी थोड़ा समय मिले तो वह बैठ के पढ़ें। और आगे हम लोग गुरुद्वारे में भी लाइब्रेरी वगैरह खोलने का प्लान कर रहे हैं और आज सर आए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर, तो उनके हाथ से हमने ये यहाँ पे आज हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की आधिकारिक यात्रा है, उनके साथ हमारे जो है CDS और CDA हमारे साथ में उपस्थित हैं, विजय अग्रवाल जी और नितिन सलूजा जी। हमारा 9:30 बजे से गुरुद्वारे से जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है वहाँ पे डेड बॉडी फ्रीजर मेडिसिन बैंक, फिर हमने दिया कालीबाड़ी स्मृति नगर में वाटर कूलर दिया है, अभी हमारी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसके बाद हम व्हील चेयर्स वितरित करेंगे, स्विंग मशीन्स वितरित करेंगे और एक मिशन जिंदगी करके हम नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं उसके तहत हम देंगे, और आटा बैंक हमारा पिनाकल का आटा बैंक चलता है वो भी आज हम वितरित करेंगे। इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज आज हमारे द्वारा संचालित हो रही हैं और आधिकारिक यात्रा में हमें बहुत खुशी है कि पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट से आई है, गवर्नर एमजेएफ लायन दिलीप भंडारी जी आज उपस्थित है। थैंक यू वेरी मच।